यही नहीं, मनरेगा में अब तक जितना काम हुआ है उसका 51% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हिस्से में गया है, वहीं 47% महिलाओं को इस योजना ने सशक्त किया है। इन 2010 के क्रियान्वयन के दौरान कुछ समस्याएं भी पैदा हुई हैं, जिसका जल्द समाधान जरूरी है। मनरेगा की कुछ प्रमुख चुनौतियों को गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि वेतन के भुगतान में देरी, काम की गुणवत्ता में सुधार और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक सुधार कार्य योजना है जिसे मनरेगा 2 नाम दिया गया है, इन चुनौतियों को दूर करने के प्रयास में है। मनरेगा 2 में इस योजना के क्रियान्वयन को और पारदर्शी बनाने और जवाबदेही प्रावधानों को मजबूत करने पर जोर देते हुए ग्राम सभाओं को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि मनरेगा का लाभ ज्यादा से ज्यादा हाशिए पे पड़े लोगों तक पहुंचे। जयराम रमेश ने कहा सभी ग्रामीण योजनाओं का समग्र मूल्यांकन भी जरूरी है। ये बात सरकारी योजनाओं का सही असर तब होगा जब हाशिए पे पड़े लोगों की जीवन यापन के लिए इन कल्याणकारी योजनाओं पर उनकी निर्भरता खत्म होने लगे। But the success of this program